व्यक्ति के लिए शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य भी स्वस्थ रखना बहुत जरूरी है। कोई भी व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ रहता है तो अपनी क्षमता से अधिक कार्य करने की कोशिश करता है, लेकिन व्यक्ति मानसिक रूप से अस्वस्थ रहेगा तो उसकी कार्य क्षमता पर प्रभाव पड़ता है। आइए बात करते हैं वर्ल्ड मेंटल हेल्थ के उद्देश्य के बारे में। वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे का मुख्य उद्देश्य विश्व भर में मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे मनाने का एक मुख्य कारण ये है कि विश्व में हर वर्ग के लोगों को इस बीमारी के बारे में पता चले, साथ ही साथ और वो उस लिहाज से उसके बचाव के लिए पहले से तैयार रहें। वर्ल्ड मेंटल डे का इतिहास। वर्ल्ड मेंटल हेल्थ एसोसिएशन ने साल 1992 में विश्व भर के लोगों के मानसिक स्वास्थ्य देखभाल को वास्तविक रूप देने हेतु विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस की स्थापना की थी। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार 450 मिलियन लोग विश्व भर में मानसिक विकार से ग्रस्त हैं। WHO के अनुसार विश्व भर में 4 व्यक्तियों में से एक व्यक्ति मानसिक विकार से ग्रस्त है। इनमें लगभग 10 साल से 19 साल की उम्र के व्यक्तियों की वैश्विक रोग भार में 16% हिस्सेदारी है। मानसिक रोग क्या है? मानसिक रोग बहुत से प्रकार का हो सकता है। इसमें मस्तिष्क से जुड़े प्रत्येक तरह की समस्याओं को शामिल किया जा सकता है, जैसे अल्जाइमर, ऑटिज्म, डिप्रेशन, तनाव, चिंता, डिस्लेक्सिया, कमजोर याददाश्त, डर लगना, भूलने की आदत आदि। विश्व मानसिक दिवस 2020 की थीम मेंटल हेल्थ फॉर ऑल है। आशा करते हैं ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। इस जानकारी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें जागरणजोश.com।